पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। कान्हा जी, आज राखी का दिन है और पिछली बार छल करके आपने हमसे राखी बनवाई थी, याद है कान्हा जी? आपको चोट तो नहीं लगी? हमें नहीं लगी रंचू जी, परंतु हमारे कारण आपको चोट लग गई। परंतु अब स्वेच्छा से हर वर्ष आपको राखी बांधेंगे, फिर चाहे आपसे हमारी कोई अनबनी क्यों ना हो रही। इस बार हमारे विवाह के पश्चात ये पहली राखी है और हमारे भाई जी हमारे पास ने इस बार हमारे भाई जी की कलाई सुनी रह जाएगी। गुड मॉर्निंग तारा। ध्रुव, कहाँ जा रहे हैं? 17वीं सदी। देखो तारा, लगभग एक साल हो गया वल्लभगढ़ गए हुए और आज तो राखी का त्योहार है और राखी के साथ ही साथ तुम्हारी जो पगफेरी की रस्म है वो भी हो जाएगी और भाई जी से मिलना भी हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना ठीक है, मैं अकेला चला जाता हूँ। जय वल्लभगढ़, अमर वल्लभगढ़। आपको तारू की याद आ रही है ना? एक वर्ष बीत गया माँ, हम तारू से इतने लंबे समय के लिए कभी दूर नहीं रहे। तो एक बार जाकर उससे मिल लीजिए ना, उसे भी अच्छा लगेगा। नहीं माँ, हम वहां नहीं जाना चाहते और नहीं चाहते हैं कि तारू यहाँ 17वीं सदी में आए। मन में एक भय कि यहाँ आने जाने के कारण चिकित्सक ध्रुव और उनके रिश्ते को कहीं किसी नए अप्रिय बाधा का सामना ना करना पड़ जाए। वो तो आज राखी है इसलिए भाई का मन भावुक हो उठा। ऐसा लगा जैसे हमने आंखें बंद की और तारू झट से हमारे सामने आ गई। भाई जी, आपने तो आंखें बंद भी नहीं की और हम ऐसे ही आपके सामने आ गए। तारू, आप? माँ, अरे सदैव खुश रहिए। अरे आप यहाँ? भाई जी, आप भूल गए, आपकी कलाई पर हम जो राखी बांधते हैं वो जिस नस को छूती है वो केवल आपके हृदय तक नहीं, हमारे हृदय तक भी जाती। आपने हमें इतने मन से याद किया, कैसे ना आते हम? किंतु आप यहाँ क्यों आए? हम नहीं चाहते कि आप दोनों के साथ कुछ भी अप्रिय घटे। यदि हम आपके साथ इस रक्षाबंधन में ना होते तो होता कुछ अशुभ, कुछ अप्रिय।
ये कंपन कैसे? तारा भूकंप आ रहा है। रक्षाबंधन के बाद कुछ दिखाई नहीं है। अर्थात ये भूकंप भी हमारे वल्लभगढ़ का विनाश है। जी, हमें हमारी प्रजा को, हमारे लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा शीघ्र। राज्य में अभी इसी क्षण ये घोषणा की जाए कि सभी को गुफा की ओर जाने का आदेश दिया गया है। जाइए। किस गुफा की बात कर रहे हैं? प्रजा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में बहुत सारी गुफाएं बनवाई गई थी ताकि युद्ध या किसी प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न कालीन किसी भी स्थिति में प्रजा वहां शरण ले सके। उस ओर देखिए, इतने सारे पंछी। राजमाता जी, भूकंप के आने का अंदाजा पक्षियों को सबसे पहले होता, ये उसी का संकेत है। संभाल के, ध्यान से। राजवैद्य जी, आप जितनी औषधियां हो सकते हैं अपने साथ ले लीजिए। भाभी जी, हम अनाज घर से अनाज को गुफा तक पहुंचाने का बंदोबस्त करते हैं। तारू, वो राखी कहाँ है? हमारे पास है। हमारे प्रेम का प्रतीक वो राखी हमारी कलाई पर बांध दीजिए। क्या पता आपसे राखी बनवाने का सौभाग्य हमें फिर प्राप्त हो भी या ना। आप राखी बांध दीजिए तारू, शीघ्र बांधिए तारू। हमें यहां से चलना चाहिए। हाँ चलिए चलिए, यहां से चलिए। चिकित्सक ध्रुव, चलिए। तारू, वो आपके ऊपर गिर सकता है। तारा, चलिए आगे।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।